सर बेसिकली मेरे नाल जो है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बिकॉज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है. हम लोगों ने सेट लगाया, आप लोग पोस्टर में देख सकते हैं. सो इट्स अ लार्ज स्केल सेट जो कि हमने फिल्म सिटी में कंस्ट्रक्ट किया और आर्टिस्ट के साथ शूट किया. आप देखेंगे तो सेट भी जो लगाया इसका, इट्स वेरी इंटरनेशनल लुक. द लुक एंड फील इज अमेजिंग. हमें इंडस्ट्री की बहुत सपोर्ट मिली. सो फ्रॉम द एडिटर मिस्टर राजेश पांडे, उन्होंने बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, रामलीला वो एडिट किया और उन्हें गाना एडिट किया क्योंकि उनको हमारा विजन इतना अच्छा लगा एंड उनको ऑडियो बहुत अच्छा लगा. प्लस हमारे सिंगर है सैमी इसमें, ही इज़ अ वेरी गुड पॉप सेंसेशन आई वुड से. आप देखेंगे तो गाने में कोई भी इतना गुड लुकिंग सिंगर कम है, बॉडी बना रखी बंदे ने. सो ही इज सैमी. सो इट्स अ डिलाइट टू हैव सच काइंड ऑफ पीपल विद अमेजिंग वॉइस. देन ऑन टॉप ऑफ इट हमारे पास भूमि त्रिवेदी हैं जो जिसको कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए. राम चाहे लीला चाहे राम और अभी ढोलना रॉकी और रानी में उनका गाना आया. सो उन्होंने फीमेल वॉइस दी. एंड वेरी यूनिक थिंग अबाउट भूमि त्रिवेदी इज उन्होंने आज तक कभी भी रैप सिंगिंग नहीं की है. इस गाने में जब आप लोग सुनेंगे सो शी हैज़ डन रैप सिंगिंग. तो वो बात बोल रही है बट सुरों में बोल रही है क्योंकि वो सिंगर है. शी इज़ अ गुड प्ले बैक सिंगर. एंड प्लस म्यूजिक इज गिवन बाय सुमित बलेरी. ही इज़ अ वेरी गुड रिनाउंड बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने फुकरे 3, फुकरे 2, फुद्दू, छतरी वाली इन सब में गाने दिए. तू मेरा भाई नहीं इज़ अ वेरी फेमस सॉन्ग. अभी सुनिधि चौहान का भी गाना आया था स्पेशल एडिशन कुड़ी. प्लस आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग. वी आर मॉन्क रिकॉर्ड्स हमारा म्यूजिक लेबल है. मैं खुद एक प्लेबैक सिंगर हूँ इंडस्ट्री में. तो तू मेरा भाई नहीं गाना मैंने गाया, रफ्तार ने मेरे साथ रैप किया. अभी हमारा फुकरे 3 में गाना था अतरंगी किस्सा. सो इसलिए ये लेबल हम आर्टिस्ट ही चला रहे हैं. आई एम एन आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर. तो हम लोगों ने इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उसी एंगल से रखी क्योंकि ये मासी गाना है. आप देखेंगे तो लोगों को पूरे वर्ल्ड में पसंद आएगा, इस तरीके का गाना है. इसकी म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर जो सुमित ने दिया है, लिरिक्स, इसके विजुअल प्लस मार्केटिंग, ये इंडिया का पहला ऐसा गाना है जिसमें मोर देन 25 ब्रांड्स आर एसोसिएटेड. प्लस इस गाने की जर्नी में पेंटर्स की कहानी है. अगर आप देखेंगे तो ऑल पेंटिंग्स आर देयर. सो जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत पेंटर्स ने सपोर्ट किया हमें, तो हमें लगा हमें भी इनको सपोर्ट करना चाहिए. बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट है. सो इसलिए हमने इस म्यूजिक लॉन्च इवेंट को, पहला ऐसा इवेंट है इंडिया के अंदर जहाँ पे एक आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है जहाँ पे आर्टिस्ट को रियली सपोर्ट मिल रही है. सो इस गाने को बहुत ही स्पेशल हम लोगों ने बनाया. प्लस उसके बाद अब ऑडियंस इतना प्यार दे रही है. 1 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं टीजर पे. गाना भी 6 बजे रिलीज हुआ है. सो वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव इंडस्ट्री सपोर्ट, ब्रांड सपोर्ट, पेंटर्स सपोर्ट एंड नाउ ऑडियंस सपोर्ट. एंड अब आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें. या सो जब हम इस गाने को शूट कर रहे थे तो पेंटर्स ने पेंटिंग बना के दी, लाइक दिस पेंटिंग, इट्स द कैरेक्टर इन द सॉन्ग. तो उस टाइम पे उन्होंने धोबी घाट में भी पेंटिंग्स बनाई थी जो आर्टिस्ट हैं. तो सिमिलरली उस टाइम पे जब हमारे गाने में इतनी सारी पेंटिंग्स लगाई, सब किया उन्होंने, तो हमें ये चीज़ रियलाइज हुई कि आगे इनके आर्ट एग्जीबिशन कम हो रहे हैं, इनको जानते कम लोग हैं. तो इस वजह से हमने इनको सपोर्ट देने के लिए, इस ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म को और आगे ले जाने के लिए, दैट्स वाई वी हैव सपोर्टेड द पेंटर्स. सो देखिए मंदना मार्च तक शी वॉज वेरी एक्साइटेड. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो आई नहीं है. रादर गाना कोविड के दौरान शूट हुआ और उस टाइम पे उन्होंने बहुत बार बोला गाना रिलीज़ करो, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे जो पार्टनर्स हैं राजीव शाह जी एंड एंजेला एंड एवरीवन, बिकॉज इट्स अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट. आप देख रहे हैं लार्जर देन लाइफ, एक मूवी के गाने की तरह रिलीज़ कर रहे हैं हमें क्योंकि हम सब बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स एंड डायरेक्टर्स हैं. सो हम लोगों ने बंदना को ये समझाया था कि इसको प्रॉपर स्केल करके बड़ा बना के करेंगे, हमें सपोर्ट चाहिए बहुत लोगों की. बट मैं रीज़न नहीं समझ में आया कि अभी वो क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे. उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी हमने देखा है तो उन्होंने फोटोशूट तो अपना डाला हुआ है बट वो कहती है मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी है. गॉड नोज बट शी इज़ वेरी टैलेंटेड. उन्होंने गाने में बहुत अच्छा काम किया है. आप विजुअल्स देखेंगे तो शी इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली गॉर्जियस एंड वाइब्रेंट. वो आप लोग उनसे ही पूछें कि वो क्यों नहीं आई, इवन वी डोंट नो. But I wish her all the best. She has done amazing work in the song. Okay, so ये गाना हमने 3 दिन में शूट किया.
फिल्म सिटी के अंदर. सो दो दिन हमने सेट पे शूट किया, एक दिन एक बंगलो पे शूट किया, वेरी लास्ट के जहाँ पे हमारी अधूरी कहानी का क्लाइमेक्स शूट हुआ है. सो दैट्स हाउ वी शॉट इट ऑन अ एरी एलेक्सा कैमरा विद अ वेरी लार्ज सेटअप. तो बेसिकली एट वी आर मंक रिकॉर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये एक आर्टिस्ट का हम लोगों ने मिलके, मैंने और सुमित बलेरी ने, राजीव शाह जी और हम सब लोग ने मिलके, एंटरप्रेन्योर्स एंड आर्टिस्ट आर इन्वॉल्व. सो हम लोगों ने ऑलरेडी 4 गाने शूट कर लिए हैं, इसमें से बॉलीवुड के टॉप नेम्स इन्वॉल्व है, मैं आपको ये बता सकता हूँ. और सारे ही इससे भी बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले हमारे, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हैं. नेक्स्ट गाना मेरा है जो मैं गा रहा हूँ, and one of a very big artist from Punjab, she is involved in that. Gana already shoot ho chuka hai, jaldi hum aap logo ko dikhayenge, next hum usi release pe jayenge. So aap log support karte rahe, and hum log bahut bada content jo Bollywood ke saath I would say ki comparison kar sakte hain aap filmon ke saath, itne bade gaane hum audience ko dena chahte hain aisi kahaniyon ke through aur aise visuals ke through jisse wo connect kar paye apne emotions ko. Thank you so much. Thank you, thank you sir.